Hello, curious learner of class 10th. Welcome again to a new interesting video of your history, chapter 1, The Rise of Nationalism in Europe. This is really a very, very interesting chapter. But dear, do you know, I can call this Bahubali part 2. All right, sir. How you are telling this is Bahubali part 2? तो बेटा सुनो, क्लास 9th में जब हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़े थे ना, उसमें जो राजा था कौन था, लुई 16 था, बस समझ लो ना। 1789 में लोगों ने पूरा एकत्रित हुए, लुई 16 को उठा के फेंक दिए, और वहां पे धीरे 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 प्रोसेस में डेमोक्रेसी को एडॉप्ट किया गया, लोगों को समझाया गया। एनीवे, मिडिल क्लास का रोल था और बहुत सारे थिंकर्स थे, उन लोगों ने सोच के उसको बनाया था, डेमोक्रेसी एक आइडिया को वहां पे लाया गया था। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यूरोप एक क्या है, कॉन्टिनेंट है। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट है। यूरोप में बहुत सारे कंट्री हैं, और इससे पहले बहुत सारे छोटे छोटे एम्पायर्स थे जो वहां पे रूल कर रहे थे। ये छोटे छोटे एम्पायर वहां पे क्या कर रहे थे, जैसे फ्रांस में धीरे धीरे ये आइडिया इवॉल्व हो गया, डेमोक्रेसी व्हाट पीपल्स रूल, ये सबको खटकने लगी। और ये धीरे धीरे जो आइडिया फ्रांस में शुरू हुआ था ना, ये यूरोप में हर कंट्री, हर एरियास में, हर मोनार्क कंट्रीज में, एरियास में ये क्या हुआ, धीरे धीरे स्प्रेड होते चला गया। तो एनीवे, नेशनलिज्म की फीलिंग क्या है, आई डोंट थिंक आपको ये समझाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आप बेहतरीन तरीके से समझ चुके हो कि नेशनलिज्म क्या होता है। नेशनलिज्म मतलब देशभक्ति की भावना किसी के अंदर हो, उसको हम नेशनलिज्म बोलेंगे, देश के प्रति भावना, देश के प्रति देशभक्ति वाला भावना नेशनलिज्म बोलेंगे, राइट। तो आज हम ये इंटरेस्टिंग वीडियो शुरू कर रहे हैं, जो कि ये हमारा पार्ट 1 होगा, और बहुत सारे पार्ट इसके धीरे धीरे आएंगे, और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये वीडियोस को आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, और कुछ भी डाउट्स है तो हमको जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करते हैं राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, राइट। तो इसके अंदर घुसने से पहले देख लेना, यही सब टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, यही सब टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या है, इंट्रोडक्शन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशंस and the making of nationalism in Europe, the age of revolution 1830-1848, unification of Italy, unification of Germany and Britain, and visualizing the nations, visualization of समझ में आ रहा है, हमने हमारे nationalism in India में पढ़ा था, इसको अच्छे से देखना, collectivization, sense of collectivization, same thing, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म क्या है, और इसको हम कंक्लूड करेंगे लास्ट वीडियो में। एनीवे, आज मैं तो आपका वीडियो शुरू, चैप्टर शुरू करने नहीं जा रहा, मगर आपके चैप्टर के पहले पेज में एक चीज है जिसको हम तो आज करेंगे, ठीक है। तो एक बार उसको हम देखते हैं, तो ये हमारे टॉपिक्स होगी जो हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। इस चैप्टर को हम मोस्ट प्रोबेबली 9 वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो इमेज आपको दिख रही है आपके चैप्टर के पहले पेज में, पहले में ही ये इमेज आपके क्या बुक में है, ये इमेज क्या कहता है, ये इमेज बहुत जरूरी है, क्योंकि एनटीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ना हमको इसको अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। तो ये समझना, ऊपर कुछ आपके क्रिश्चियन, बहुत सारे धर्म के यहाँ पे होंगे, नीचे यहाँ आपको स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिख रही है, बहुत सारे लोग यहाँ से लाइन लगाते हुए आ रहे हैं, लाइन लगाते लगाते ट्रेन टाइप का, ट्रेन के बॉगी टाइप का सब आ रहे हैं, और यहाँ आते ही सब अपना देखो नमन कर रहे हैं इसको, और नीचे यहाँ देखो बहुत सारे क्या है, किरीटी, राजा राज रजवाड़ों का क्या है, जितने भी मुकुट होते हैं ना वो सब यहाँ गिरे हुए हैं, टूटे पड़े, देख रहे हो। तो ये इमेज क्या कहना चाहता है, इसको हम थोड़ा आज ना बहुत अच्छे से इलैबोरेट करते हैं, समझते हैं, नहीं समझेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसको देखते हैं, इनने किसने लिखा था इसको, द ड्रीम वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ पेंटेड पेंट प्रिपेयर्ड बाय पैट्रिक शोरियो इन 1848। अब ये समझो, ये 1848 की बात है, 1848 में एक आदमी, वो थे फ्रेडरिक शोरियो,
इन्होंने एक ड्रीम वर्ल्ड देख लिया था। ड्रीम वर्ल्ड मतलब सपनों की पृथ्वी, सपनों का दुनिया कैसा होगा, जो कि डेमोक्रेटिक होगा और सोशल रिपब्लिक होगा, राइट। उन्होंने ये सपना देखा था। वैसे चार सीरीज ऑफ पेंट इनने बनाई थी, मतलब चार पेंट ऐसे बनाए थे, जिसमें से ये उनका पहला पेंट है। क्या है? उनका पहला पेंटिंग है। तो ये पेंटिंग क्या कहना चाह रहा है, उसी के साथ ही हम इस चैप्टर का शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये चैप्टर में ये पेंटिंग क्या कह रहा है। पहला तो आप देखो, ड्रीम वर्ल्ड पेंटेड बाई फ्रेडरिक सॉल्यू इन 1848 है। ये कौन है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। ये कौन है? एक फ्रेंच आर्टिस्ट है। He made series of four pictures. This picture one among them. It is consist of democratic and social republic. It is consist of social democratic and social republic as he called them. जैसे कि वो बोल रहे थे, जो हमने वहाँ देखा। Shows the peoples of Europe and America, men and women of all ages and social classes, marching in a long train and offering homages to the Statue of Liberty as they passed by it. अभी ये समझना कि यहाँ पे क्या है, क्यों अमेरिका एंड यूरोप के पूरे लोग, आप देखो अमेरिका का आपको फ्लैग दिख जाएगा और इसके साथ साथ फ्रांस के, फ्रेंच के भी आपको फ्लैग दिख जाएंगे। देखो ये है, यहाँ से धीरे 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 लॉन्ग ट्रेन में लोग चलते हुए आते जा रहे हैं, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज दे रहे हैं। होमेज का मतलब क्या होता है? होमेज मीन्स ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ऑनर। ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ऑनर, जो लाल कलर में उसकी मीनिंग साइड में आती जाएगी, एक बार देख के चले जाना। होमेज का मतलब क्या है? अ ग्रेट रेस्पेक्ट एंड ऑनर टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अभी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है, ये तो सबको पता है, राइट, जो अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में है, न्यूयॉर्क हार्बर के अंदर ये है। तो इस समय 1848 में बहुत सारे कंट्री अभी 1848 में जब ये पेंटिंग बनाई गई थी, तब क्या हुआ था? फ्रांस इंडिपेंडेंट हुआ था क्या? नहीं हुआ था। फ्रांस में डेमोक्रेटिक आइडिया आया ही नहीं था, क्योंकि हमने देखा था फ्रांस में ये चीजें आई नहीं थी। 1848 में ऐसा एक इमेज बनाया गया था, ये सब धीरे धीरे टूवर्ड दैट मूव कर रहे हैं। अभी आप बोलोगे सर फ्रांस में तो आ गया था, इस चैप्टर में हम देखेंगे फ्रांस में हमने देखा था 1999 में नेपोलियन बोनापार्ट फिर अटैक कर दिया था। आप समझ रहे हो ना, फ्रांस तो बन गया था 1794 में, मगर यहाँ पे फिर नेपोलियन बोनापार्ट 1799 में क्या किया था, अटैक कर लिया था। उसके बाद से फ्रांस फिर से मोनाक में चला गया था। तो एनीवे, तो यहाँ पे यूरोप और अमेरिका कंट्री के लोग क्या कर रहे हैं, लाइन लगाते हुए आ रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अपना होमेज दे रहे हैं। ओके, इसको जैसे क्रॉस कर रहे हैं, ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड विच बाय दिस टाइम वेयर दे ऑलरेडी नेशन स्टेट। अभी ये समझना, अभी ये समझो कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है। एज यू वुड रिकॉल आर्टिस्ट ऑफ द टाइम ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन पर्सन वॉट पर्सन फाइट लिबर्टी एज द फीमेल फिगर हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर इन वन हैंड एंड अदर हैंड चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑफ मैन। ये एक हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी में देख सकते हैं, टॉर्च बियरर है और एक में राइट ह्यूमन राइट्स पूरे हैं। ये इसको हम स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बोलते हैं, जैसे फ्रांस में बनाया गया था, हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन में उसको अच्छे से पढ़ा था। अभी जैसे यहाँ देखना, ये जो लोग हैं यहाँ से मूव कर रहे हैं और स्विट्जरलैंड और अमेरिका इसको क्रॉस कर चुके हैं और फ्रांस के लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मतलब 1848 तक ये दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट हो चुके थे और ये दोनों कंट्री इंडिपेंडेंट होके क्या किए थे, अपना नेशन स्टेट फ्रेम कर चुके थे। नेशन स्टेट का मतलब क्या है, यहाँ आप देख लो, अ स्टेट हैविंग अ कॉमन एंड कंटिग्यूअस बाउंड्री विद इनहैबिटेंट्स पीपल शेयरिंग कॉमन लैंग्वेज रेस एंड रिलीजियंस majority of its citizens develop a sense of common identity and share a common history. अभी आप समझना ये क्या है, मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। नेशन स्टेट, नेशन स्टेट ये है कि एक ऐसा बाउंड्री जिसके अंदर जो भी लोग रह रहे हैं ये एक कॉमन क्या आइडेंटिटी को शेयर कर रहे हैं, कॉमन रिलीजियंस है, लैंग्वेज है, सब कुछ कॉमन है। मतलब ये एक ये
बाउंड्री को, ये देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये लोग। जैसे कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं, जैसे इंडिया एक नेशन स्टेट है, मतलब स्टेट्स जितने भी छोटे छोटे एरिया हैं सबको कंबाइन करके एक नेशन है, जिसको हम नेशन स्टेट यहाँ पे बोलते हैं। जो लोग यहाँ रहते हैं ये क्या करते हैं, शेयरिंग कॉमन लैंग्वेजेस, रेस एंड रिलीजियस अमंग देम, दैट इज अ नेशन स्टेट। और स्विट्जरलैंड और जो हमारा अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स है, ये नेशन स्टेट तब तक बन चुके थे, और इसके पीछे जो लाइन लगाते हुए आ रहे हैं वो फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज हैं। On the earth, in the foreground of the image lies the shattered remains of the symbol of absolutist institutions. अभी आप देखना, on the ground मतलब यहाँ नीचे, यहाँ पे आप देखो बहुत सारे गिरे हुए क्या है, जो राजा रजवाड़ों की मुकुट गिरे हुए हैं, ये क्या है, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे absolute leader जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम monarch बोलते हैं, उन लोगों का खात्मा होते जा रहा है। किसके, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के सामने जितने भी लोग वहां से चलते हुए आ रहे हैं वो सब लोग मोनार्क या डिक्टेटरशिप को वहां पे फेंक रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, क्या ह्यूमन राइट्स, सिटीजन राइट्स को लेकर और डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाते हुए। अभी यहाँ एब्सोल्यूट्स का भी मीनिंग दिया हुआ है साइड में, आप उसको देख लेना। लिटरली मीनिंग क्या है, अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज नो रिस्ट्रेंट्स Restraints on the power exercised. जो पावर थी वो अभी वो है नहीं, जो भी गवर्नमेंट हो, लिटरली गवर्नमेंट या सिस्टम जो भी था वो अभी नहीं है। In history, the term refers to a form of monarchical government that was centralized, militarized and repressive, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी बताया। In Soros utopian vision, utopian vision मतलब क्या है, ऐसी एक कल्पना, ideal situation or vision to go to be realized in practice. Utopian vision मतलब एक आइडियल सोचना कि आगे ऐसा हो सकता है, कुछ हम ऐसा सोचे जो आगे हो सकता है। जैसे उस समय सोरियो ने सोचा था कि पूरा वर्ल्ड एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनेगा, वैसा। The people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costumes. ऐसा सोचा गया था कि आगे लोग अपने जो बहुत सारे देशों में बढ़ जाएंगे, उनकी फ्लैग होगी, उनका एक नेशन का नेशनल कॉस्ट्यूम होगा, जिसके थ्रू लोग अपने अपने अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री के तौर पे जाने चाहेंगे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राइकलर हैज जस्ट रीच्ड द स्टेटस, सी इज फॉलोड बाय पीपल्स ऑफ जर्मनी ब्रिंगिंग द ब्लैक एंड रेड गोल्ड ब्लैक फ्लैग्स। अभी आप समझो यहाँ पे फ्रांस क्या है, ऑलमोस्ट पहुंच चुका है, आप देखो फ्रांस ऑलमोस्ट आ चुका है। जैसे 1848 में हम देखे थे ना कि नेपोलियन बोनापार्ट जो 1789 में आया था, 1848 तक वो खत्म हो चुका था फ्रांस, और फ्रांस नजदीक आया, यहाँ से वो डेमोक्रेटिक बन के निकल जाएगा। इसके पीछे जर्मनी और बहुत सारे इटली, बहुत सारे कंट्री पीछे पीछे आ रहे हैं, समझ रहे हो ना, क्लियर हो रही है ना। इसके बाद At the time when Soros created this image, the German people did not yet exist as a United Nations. German एक United Nation नहीं था। The flag they carry is an expression of the liberal hope in 1848 to unify numerous German-speaking principalities. अब देखो वहाँ पे German एक unified नहीं था, बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ था। Or into a nation state under the democratic constitution. Following the German peoples are the peoples of Austria, किंगडम ऑफ टू सिसिली, लोम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगेरी एंड रशिया, बहुत सारे लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसीलिए इसका बहुत सारे जो फ्लैग आपको बताया गया था, रेड फ्लैग, ब्लैक फ्लैग, गोल्ड फ्लैग। फ्रॉम द हेवन अबव, उससे ऊपर जो मैंने दिखाया था भगवान की, फ्रॉम द हेवन अबव क्रिस्ट सेंट एंड एंजल गेज अपॉन द सीन, they have been used by the artist to symbolize fraternity among the nations of the world. That means हर किसी country का अपना अपना religions लोग follow कर सकते हैं। ये ऐसे तरीके से वो image जो आपको दिया गया है वो elaborate होती है, ठीक है। I hope आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वो image क्या बोल रहा है, right? इसके बाद introduction of the chapter में आते हैं। This chapter will be deal with many of issues visualized by Soros figure. जो फिगर में हमने देखा था वो सब चीज को हम डील करेंगे। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज अ फोर्स व्हिच ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप। अब देखना 19th सेंचुरी में देयर हैज बीन मेनी चेंजेस, द फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने देखा था जैसे वैसे ही।
द एंड ऑफ रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वॉज द एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट. जो नेशन स्टेट की मीनिंग क्या है मैं आपको बता दिया था. इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप, मल्टीनेशनल डायनास्टिक एम्पायर के जगह में नेशन स्टेट यहाँ पे फॉर्म. The concept of the practice of modern state in which the centralized power exercised sovereign control over the clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. मतलब ऐसा एक modern state and nation state meaning same है. ऐसा एक state बनेगा जिसका boundary clear होगा और ऐसा Europe में बहुत सारे countries बनेंगे. But the nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and say history of descent. अभी यहाँ देखना nation state was one of the which majority of citizens, not only the rulers, सभी लोग एक साथ आके nation state form करेंगे. This commonness did not exist from time immemorial. It was forced through the struggle, through the action of leader and common people. अब देखो ये जो time हुआ था ना ऐसा democracy बनना ये इतना आसान नहीं था. बहुत सारे स्ट्रगल हुए थे, बहुत सारे एक्शन लीडर के द्वारा लिया गया था, कॉमन पीपल भी लिए थे. उसके बाद आज जो दुनिया हम देख रहे हैं डेमोक्रेटी या अपनी, और मेरे को भी तो बात करने की अधिकार है, जो अधिकार की बात कर रहे हैं ये अधिकार लाने के लिए ना बहुत पांपड़ बेलने पड़ेंगे, राइट. वो पांपड़ कैसे क्या बेला गया है इस चैप्टर में देखें. This chapter will look at the diverse process through which nation state and nationalism came into being in 19th century of Europe. इसके साथ ही आपका ये जो part 1 था introductions के साथ मैं खत्म कर रहा हूँ. इसके साथ हम आगे इसको थोड़ा discuss करेंगे. आपके किताब में page 4 में एक है Ernst Renan write what is a nation, एक side में दिया हुआ है block में, उसको अच्छे से रीड करना और उसको मुझे एलाबोरेट करके आप लोग मुझे भेजोगे, मुझे आप लोग कमेंट करोगे या उसका पिक्चर निकाल के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजोगे. बात समझ रहे हो. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग. आई होप यू पीपल्स आर अंडरस्टैंडिंग. स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड.